तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आशो फैशन। और मैं हूँ ऐश्वर्या। आज की रेमेडी ना काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि मैं जो रेमेडी आपके सामने लेकर आई हूँ वो एल्बोज़ और नीज़ के लिए। हमारी एल्बोज़ और नीज़ काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हो जाती है, काली पड़ जाती है, और इस टाइम तो समर का टाइम है, हम शॉर्ट्स वगैरह पहनेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता है कि हमारी बाकी स्किन की तरह वो वाली स्किन क्यों इतनी ब्लैक है। तो नेचुरल रेमेडीज से वो ठीक हो सकती है, लाइट हो सकती है। बहुत सारे लोग नेचुरल रेमेडीज़ पर बिलीव नहीं करते, वो एक दो बारी ट्राई करते हैं उसके बाद बोलते हैं ये तो हो ही नहीं रहा सही, आप एक दो हमारी क्यों ट्राई करते हैं। आपको ट्राई करना है को लगातार कंटिन्यूसली, जब तक आप वो सही नहीं कर लेते इसलिए वो रेमेडीज आपके लिए यूजफुल नहीं हो पाती है। तो कोई भी नेचुरल रेमेडीज को आपको डेली ट्राई करना है, ये वाली रेमेडीज भी आपको डेली ट्राई करना है, जब तक सही नहीं हो जाए, जब तक यानी कि ब्लैक से वाइट ना हो जाए, लाइट ना हो जाए, जो भी डार्कनेस की प्रॉब्लम है वो खत्म ना हो जाए, तब तक आपको ट्राई करते रहिए, देखने को मिलेंगे। मैं ये वाली रेमेडी ट्राई करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव यूजफुल है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। तो लेट्स रोल ऑन। आपने करना क्या है, आपने लेना है कोलगेट, 1 टेबल स्पून की जितना कोलगेट लेना है, और 1 टेबल स्पून जितना आपको बेकिंग सोडा लेना है। आप जितनी चाहे उतनी अमाउंट में बना सकते हैं, क्या मैं बहुत थोड़ा सा बना के आपको दिखा रही हूँ। और बेकिंग सोडा ये बहुत ही अच्छा एजेंट होता है आपके डार्क्स को काफ़ी ज़्यादा लाइट करने के लिए, ब्राइट करने के लिए। मिक्स करना है पानी की हेल्प से, थोड़ा सा पेस्ट बना लेना है, एंड दैट्स इट। और ये पेस्ट रेडी है आपका लाइटिंग ब्राइटनिंग, आपके डार्क स्पॉट्स जहाँ पर भी हो, डार्क एरिया जहाँ पर भी हो, उसको काफ़ी ज़्यादा लाइट करने में हेल्प करता है। सिंपली आपको इसको एल्बोज पीस जहाँ पे भी आप लगाना चाहें वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से आपको अप्लाई करना है, एक मोटी लेयर आपको लगा लेनी है, और उसके बाद आपको इसको छोड़ देना है 2-3 मिनट्स के लिए। 2-3 मिनट्स तक इसको ऐसे ही रहने दें। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने लेना है लेमन की एक स्लाइस, और उससे आपको रब करना है। लेमन में ब्लीचिंग एजेंट पाए जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए, लाइटनिंग करने के लिए, ब्राइट बनाने के लिए, जितने भी डार्क्स वगैरह होते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा लाइट करने में हेल्प करता है। सिंपली इसको रब करना है और 15 मिनट बाद वॉश कर लेना है। सिंपली इसी तरह आपको जहाँ भी रिक्वायर हो वहाँ पर आप इसको अप्लाई करके रब कर सकते हैं, और के बेहतर रिजल्ट पाने के लिए आप इसको डेली अप्लाई ज़रूर करें जब तक वहाँ का एरिया आपका लाइट ब्राइट ना हो जाए। और इस रेमेडी को आपको हमेशा ट्राई करते रहना है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, उसके बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा वो घंटा, जिससे क्या होगा ना मेरे आगे आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगे, और मेरे और आपके बीच कनेक्शन की कोई दूरी नहीं रही, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो हमेशा लाती रहती हूँ, तो आपको मिस नहीं कर पाएंगे। फिर मिलती हूँ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बिलीव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, लव यू गाइस, बाय बाय।